friends, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, do you know which chapter is going on in maths? Chapter number 4. And what is the name of this chapter? Parts and Wholes, right? And we are doing exercises from your textbook, page number 58. This exercise we have already completed in the last video, right? Ramu's vegetable field we have completed. And today we are going to do this page. And see over here, this is page number 59. So open your maths textbook, page number 59. And let's read together. Aapko saath mein read karna hai. Ramu wanted to give this vegetable to his friends. Now, can you see vegetables? These are tomatoes and these are potatoes. So, Ramu wanted to give this vegetable to his friends. Ramu ye vegetables apne friends ko dena chahta hai. He gave Abu Bakr 1/5. Kitna? Dekho, 1/5 of this tomatoes and 1/3 of the potatoes. Means Abu Bakr ko tomatoes jo hai wo 1/3 mil raha hai total tomatoes ke aur potatoes hai wo 1/5 part mil raha hai. Samajh mein aa raha hai? To uske baad kaun hai? Shrija. Shrija got 2/5 of tomatoes. Shrija ko tomatoes ka 2/5 mila and 3/6 of the potatoes aur potatoes ka 3/6 mila. Nancy got the rest of the vegetables. और एक लड़की थी नैन्सी, उसको बाकी जितने वेजिटेबल बचे ना वो मिले. अब क्या करना है? सर्कल अबू बेकर शेयर इन ब्लू. अब यहाँ पे जो अबू बेकर जितने भी टोमेटोज आएंगे ना उसको आपको ब्लू कलर करना है. एंड सर्कल श्रीजाज शेयर इन येलो. एंड उसके बाद आपको येलो कलर लेना है. हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि श्रीजा को कितने पोटेटोज मिलेंगे, कितने टोमेटोज मिलेंगे, अबू बेकर्स को कितने पोटेटोज और कितने टोमेटोज मिलेंगे. उसके बाद जितने भी टोमेटोज अबू बेकर्स को मिल रहे हैं ना उसमें हम ऐसे ब्लू कलर से सर्कल करेंगे और श्रीजा को जितने टोमेटोज मिल रहे हैं उसमें येलो कलर से सर्कल करेंगे. आई बात समझ में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स काउंट हाउ मेनी टोमेटोज एंड हाउ मेनी पोटेटोज आर देर. सी हियर, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. सो हाउ मेनी पोटेटोज आर देर? 18. 18 पोटेटोज है. और ये देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 4, 20. तो 20 है वो टोमेटोज है, राइट? सो आपको समझ में आ गया एक दूसरे का किसको कितना पार्ट मिल रहा है. सो लेट्स फाइंड आउट टोमेटोज फर्स्ट. टोमेटोज का जो है वो हम पहले कर लेते हैं. अबू बेकर्स को टोमेटोज कितने मिल रहे हैं? 1/5. और श्रीजा को जो है उसको 2/5. तो टोमेटोज हमको पता चल गया टोटल कितने टोमेटोज है, 20. एंड अबू बेकर्स शेयर, अबू बेकर का शेयर कितना था टोमेटोज में? 1/5, मतलब कि 1/5. सो 20 का हमको 1/5 करना है ना. सो हाउ कैन वी राइट 1/5 ऑफ 20, मतलब कि 20 का 1/5. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5, समझ में आ रहा है? देन टेबल ऑफ 5 यू हैव टू स्पीक. 5 में 20 कहाँ पे आएगा? 5 4 20. सो 5 कट 20 कट एंड आंसर इज 4. अंडरस्टैंड? सो अबू बेकर्स हाउ मेनी टोमेटोज ही विल गेट? 4 टोमेटोज. अबू बेकर को कितने टोमेटोज मिलेंगे? 4 टोमेटोज. और श्रीजा का कितना पार्ट था? 2/5 पार्ट, राइट? सो श्रीजा शेयर ऑफ टोमेटोज इज इक्वल टू 2/5. सो 2/5 ऑफ 20 वी कैन से, 20 का ही 2/5 करेंगे बिकॉज टोटल टोमेटोज तो 20 ही है. सेम वे हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 2/5. सो हियर वी कैन डू 20 मल्टीप्लाई बाय 2/5. नाउ टेबल ऑफ 5 अप टू 20. सो 5 4 20. सो बोथ दी नंबर्स विल बी कट एंड 4 इज दी आंसर. बट हियर वन नंबर इज गिवन, 4 2 8. तो दोनों न्यूमरेटर में है ना, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. 4 2 8 टोमेटोज. अंडरस्टैंड? अब जितने टोमेटोज टोटल थे उसमें से 4 टोमेटोज अबू बेकर्स को दिए,
8 टोमेटोस श्रीजा को दिए, बाकी जो बचे ना वो नैन्सी को लेने थे। तो आपको समझ में आ रहा है टोटल 8+4 कितने चले गए टोमेटोस, 12 टोमेटोस आर ऑलरेडी गिवन। तो नैन्सी को नैन्सी शेयर ऑफ टोमेटोस टोटल 20 थे, 12 दोनों के मिला के हमने दे दिए, सो 20-12 विल बी 8। तो नैन्सी को कितने टोमेटोस मिलेंगे, 8 टोमेटोस, अंडरस्टैंड। सो दिस वॉज अबाउट टोमेटोस, ये किसकी कैलकुलेशन थी, टोमेटोस की। अब हम पोटेटोस की कैलकुलेशन करेंगे। सो हाउ मेनी पोटेटोस आर देयर, टोटल हमने कितने काउंट किए थे, 18, राइट, टोटल 18 हमने पोटेटोस काउंट किए थे। और पोटेटोस में हमको अबू बेकर्स का शेयर फाइंड करना है, अबू बेकर्स 1/3 एंड श्रीजा 3/6, मतलब कि 3/6। तो आपको ये याद रह गया, अबू बेकर का 1/3 और श्रीजा का 3/6। नाउ लेट्स डू कैलकुलेशन इन नोटबुक, सी लाइक दिस यू कैन डू। नंबर ऑफ पोटेटोस कितने हैं, 18, एंड अबू बेकर शेयर ऑफ पोटेटोस, अबू बेकर का कितना शेयर है, 1/3। सो 1/3 ऑफ 18, राइट, 1/3 किसका करेंगे हम, 18 का। सो दिस वे यू हैव टू राइट, 1/3 ऑफ 18 मीन्स 18 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो दिस वे यू कैन डू। नाउ स्पीक टेबल ऑफ 3, इन टेबल ऑफ 3 वेर 18 विल कम। नाउ स्पीक टेबल ऑफ 3 अप टू 18, सो 3/6 आर 18 विल कम, अंडरस्टैंड। सो 3 कट, 18 कट, एंड यू हैव टू राइट 6 ओवर देयर, सो 6 इज दी answer, no, but here this is also numerator and this is also numerator, so you have to multiply this both, 6 ones are 6, so how many potatoes Abu Bakers will get, 6 potatoes, right, Abu Bakers will get 6 potatoes. Now what was the share of Shrija, Shrija ka share kitna tha, 3/6, right, Shrija's share of potatoes equal to 3/6. नाउ 3/6 हम किसका करेंगे, ऑब्वियसली 18 का, बिकॉज टोटल पोटेटोस भी 18 है, सो 3/6 ऑफ 18, समझ में आया, 3/6 ऑफ 18। नाउ 18 मल्टीप्लाई बाय 3/6, अगेन हम क्या करेंगे, 18 डिवाइड बाय 6 भी आप कर सकते हो, 6 का टेबल 18 तक बोलो, सी 6 वन्स आर 6, 6 टूज आर 12, 6 थ्रीज आर 18, अच्छा 18 आ गया, सो 6 कट, 18 cut and answer will be 3, but it is not the answer, here one number is given, so this both are in one line, dono same line mein hai, so what you have to do, you have to multiply, this is 3, 3's are 9, understand, so 9 potatoes Shrija is getting and 6 potatoes Abu Bakers will get. Now what was the share of Nancy, ab dekho in dono ka total karo, 6+9 कितने होंगे, 15 हो जाएंगे, तो टोटल तो पोटेटोस 18 थे, और उसमें से माइनस हम 6+9 करेंगे, मतलब कि 15 करेंगे, सो 18 माइनस 15 विल बी ओनली 3, सो हाउ मेनी पोटेटोस नैन्सी विल गेट, ओनली 3 पोटेटोस, राइट, सो अंडरस्टैंड, 3 पोटेटोस आर लेफ्ट, तो 3 पोटेटोस अगर बच गए तो रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग वेजिटेबल कौन लेने वाला था, नैन्सी, सो दिस इज नैन्सीज शेयर, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, और आपको यहाँ पे पता है ना कि टोमेटोज में सर्कल करना है और पोटेटोज में भी सर्कल करना है, अबू बेकर का किससे करना है आपको, यहाँ पे देखिए अबू बेकर शेयर इन ब्लू कलर, तो अबू बेकर को कितने टोमेटोज और कितने पोटेटोज, अबू बेकर को कितने टोमेटोज मिले थे, अबू बेकर को 4 टोमेटोज मिले थे, राइट, तो आपको क्या करना है, ये 4 में ब्लू कलर से करना है, कौन से कलर से करना है, ब्लू कलर से आप ऐसे सर्कल कर सकते हो, राइट, एंड श्रीजा को कितने टोमेटोज मिले थे आपको पता है, 8, तो यहाँ पे 5 है, उसको भी आप येल्लो कलर से करो, और 5 एंड 3 इसको भी आप येल्लो कलर से सर्कल करो, समझ में आया, और बाकी 8 ऐसे ही बच जाएंगे, सी अबू बेकर के 4 है तो आपको ब्लू कलर से लाइन करनी है, और श्रीजा के येल्लो है 8, तो आपको ऐसे येल्लो कलर से सर्कल करना है, एंड इन पोटेटोस, पोटेटोस अबू बेकर को कितने मिल रहे हैं, 6 पोटेटोस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 6 हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5 6,
तो ये 6 पोटेटोज आप ब्लू कलर से ऐसे कवर करोगे विद ब्लू कलर, अगेन आई एम टेलिंग विद ब्लू कलर। एंड श्रीजा को कितने मिल रहे हैं? 9। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ तक सारे जो पोटेटोज है वो किसको मिलेंगे? श्रीजा को। ये आपको येलो कलर से सर्कल करना है और 3 जो बचेंगे वो नैन्सी के होंगे। एंड द लास्ट आंसर, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाउ मेनी पोटेटोज एंड टोमेटोज डिड नैन्सी गेट? नैन्सी को कितने पोटेटोज और कितने टोमेटोज मिले? तो हमने यहाँ पे ये बुक में फाइंड किया, यहाँ पे नैन्सी को 8 टोमेटोज मिले और 3 पोटेटोज मिले, राइट? तो यहाँ पे आप लिखोगे नैन्सी गॉट 3 पोटेटोज एंड 8 टोमेटोज, अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर आंसर एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस ऑल दी आंसर परफेक्टली, राइट? इन अ लाइन यू हैव टू राइट विद गुड हैंड राइटिंग। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन। सी इट्स अ गेम, हु कलर्स द सर्कल फर्स्ट मीन्स इट इज अ नेम ऑफ द गेम दैट हु कलर्स द सर्कल फर्स्ट, सबसे पहले कौन कलर करेगा? अब इस गेम में क्या करना है, लेट्स सी। दिस गेम इज टू बी प्लेड इन ग्रुप्स ऑफ 4। अब ये जो गेम है ना वो 4 का ग्रुप बनाना है और फिर आपको प्ले करनी है। ईच प्लेयर हैज टू मेक अ सर्कल एज शोन। अब हर एक प्लेयर जो है ना उसको ऐसा सर्कल बनाना है, समझ में आ रहा है? अगर 4 है तो आप चारों के पास ऐसा एक एक सर्कल होना चाहिए। एंड ईच वन हैज टू मेक 15 टोकन्स ऑफ स्लिप्स ऑफ पेपर, मतलब कि सभी प्लेयर्स को ऐसी एक चिट्स बनानी है और उसके अंदर क्या लिखना है, 1/2, 1/3, 1/4। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1/2, फिर उसको क्या करना है, ऐसे बंद कर देना है। आई बात समझ में? फिर क्या लिखना है दूसरी में, यहाँ पे हमने लिखा 1/3, राइट? फिर उसकी एक चिट बना दो, ऐसे करके आपको कितनी बनानी है, 1/4, देन 1/6। उसके बाद क्या आएगा, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, देन 7/12, 8/12, 9, 10, 11, 11/12 तक आपको ऐसी चिट्स बनानी है। आई बात समझ में? बट ये तो आपको 6 तक ही बनानी है। सो आई मेड टोकन ऑफ स्लिप्स ऑफ पेपर, मैंने इसमें जो भी लिखा है ना 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/6 वो भी लिख लिया। फिर 1 to 11 तक ऐसे 1/12, 2/12, 3/12 वैसे करके सारी चिट्स बना ली है, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे, टोकन। और सभी के पास ऐसा एक सर्कल होना चाहिए जिसमें कितने पार्ट्स होने चाहिए, 12। एक सर्कल बनाया उसमें सारे में कितने पार्ट्स है, 12 है, दैट आई हैव ऑलरेडी काउंटेड एंड मेड। ये मैंने वो काउंट करके ही ऐसा सर्कल बना लिया है। यू रिक्वायर्ड दिस टाइप्स ऑफ चिट्स एंड दिस टाइप ऑफ पेपर सर्कल एंड विथ 12 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अभी क्या करना है, शफल द टोकन। क्या करना है, पूरा उसको ऐसे शफल करना है, राइट? हमने ऐसे शफल कर लिए एंड मेक अ पाइल इन द मिडल ऑफ द ग्रुप, और फिर हमें यहाँ पे उसको रखना है, ढक यहाँ पे एक पाइल बनाना है। उसके बाद क्या करना है, नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट, फर्स्ट प्लेयर टेक्स अ टोकन। फिर क्या करना है, जो पहला प्लेयर होगा वो एक टोकन लेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक चिट ले रही हूँ, राइट? फिर उसको, ये फर्स्ट प्लेयर है वही चिट उठा रहा है, अब ये फिर वो ओपन करेगा, ओपन करके देखेगा कि देखो कितने में आया, 1/3, तो 12 टोटल कितने हैं यहाँ पे, 12 का 1/3 क्या होता है, 12 का 1/3 कौन बताएगा? देखिए 12 है तो आप क्या करो, नहीं पता है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, राइट? सो 3 4 4, तो आपको कितने में कलर करना है, कोई भी 4 में, ये एक में कर दिया, सेकेंड में कर दिया, थर्ड में कर दिया और 4 में, ऐसे 4 पार्ट्स में कलर कर दो। उसके बाद अब देखो दूसरे प्लेयर का टर्न है, अब ये जो है वापस हमें शफल करना है, राइट? शफल करो फिर रखो, फिर और एक कोई दूसरा प्लेयर आएगा वो एक चिट उठाएगा, राइट? तो उसको ओपन करेगा तो देखो इसको कितना आ गया, 7/12, मतलब कि उसके पास अगर ऐसा ब्लैंक सर्कल है तो वो कितने में कलर करेगा, ऐसे
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन पार्ट्स में कलर कर लेगा तो उसका तो जल्दी कलर फिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे करके आपको गेम खेलनी है। तो आपको समझ में आया गेम कैसे खेलनी है? राइट, सिर्फ आपको ऐसी चिट बनानी है जो इसमें लिखा है और सर्कल में 12 पार्ट्स करने हैं इक्वल। फिर आप आपके ब्रदर सिस्टर के साथ खेल सकते हो एंड विथ योर पेरेंट्स ऑल्सो यू कैन प्ले दिस गेम एंड यू विल हैव फन। सो यू कैन ट्राई एंड प्ले, राइट? ये आपको ट्राई करनी है और प्ले करो और देखो कि कौन सबसे पहले कलर करता है। और 12 है तो आपको एंड हियर आफ्टर प्लेइंग यू हैव टू गिव आंसर हु वॉन द गेम, किसको गेम, किसने गेम जीती, वॉट आर द विनर्स टोकन। विनर्स टोकन कौन कौन से थे, मतलब कि सबसे ज्यादा पार्ट में जल्दी से कलर कर लिया तो ये होगा विनर्स टोकन 11/12। अगर आपको पहली बारी में ही 11/12 आ गया तो आप 11 में जल्दी से कलर कर लोगे, राइट? तो वो आपको विनर्स टोकन लिखने हैं। एंड जो यहाँ पे क्या है कि जो प्लेयर खेलेगा उसको कौन कौन से टोकन आए वो लिखना है, राइट? और जो फर्स्ट आया उसके, राइट द टोकन यू गेट, और आपको आपको जो टोकन मिले वो लिखो एंड वॉट पार्ट ऑफ सर्कल डिड यू कलर, और कौन सा पार्ट का सर्कल, मतलब सर्कल किया आपने कलर किया तो कितने पार्ट्स में किया एक राउंड खेलने के बाद, राइट? समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखने हैं। बट मैंने यहाँ पे एजम्पशन एज्यूम करके लिखा हुआ है, राइट? सो दिस टाइप ऑफ आंसर्स आल्सो यू कैन राइट। हु वॉन द गेम, कौन गेम जीता, द प्लेयर्स हु गॉट मोस्ट ऑफ द टोकन्स, राइट? जिसको ज्यादा टोकन मिले, मतलब कि 1/12, 2/12, 2/12, देन 3/12, राइट? तो एक्सेट्रा उसको जो भी टोकन मिले थे, बिकॉज वी डोंट नो, विनर नोज दैट। नाउ व्हाट आर दी विनर्स टोकन, विनर्स टोकन कौन कौन से थे, सो विनर्स टोकन आर ऑल्सो यू कैन राइट 1/12, 2/12 और 3/12। वी ऑल्सो डोंट नो, राइट? विनर को कौन से टोकन आए हमको कैसे पता, बट ये ओनली एजम्पशन है। अब यहाँ राइट द टोकन्स यू गॉट, अब हमको लिखना है कि हमको कौन से टोकन्स मिले। सो एज्यूमिंग दैट यू आर विनर, अब यहाँ पे एज्यूम हो रहा है कि आप विनर हो, तो एक आपको मिला 6/12, दूसरा मिला 3/12, तो 9 में आपने कलर कर लिया। समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल डिड यू कलर, अब आपको अगर ये वाले टोकन मिले है 1/12, 2/12 एंड 3/12, तो जब भी आपका फर्स्ट राउंड आया तो आपने 1 में कलर किया, फिर आपका सेकेंड राउंड आया आपको 2 मिला तो आपने 2 में कलर किया, राइट? उसके बाद अगर आपको थर्ड 3/12 आया तो आपने 3 में कलर किया, तो टोटल कितने में कलर किए होंगे आपने, 6 में, राइट? 6 सेगमेंट इनिशियली, मतलब कि स्टार्टिंग में आपने 6 में कलर किए होंगे। अंडरस्टैंड, ये कोई एक्चुअल नंबर नहीं है, इट इज ओनली एजम्पशन, क्योंकि अभी हम साथ में नहीं है तो गेम साथ में नहीं खेल सकते है, राइट? बट यू राइट, यू डू इट विथ योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ प्ले करो और यहाँ पे आप जो भी आपको टोकन मिले है वो आप लिख सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड? एंड नाउ सी इन योर टेक्स्ट बुक वॉट इज गिवन, द कार्ड पजल, एक कार्ड पजल दी हुई है एंड हियर यू कैन सी ए बी सी डी, 4 स्क्वायर्स आर गिवन एंड इनसाइड दिस स्क्वायर्स स्मॉल ब्लैक स्क्वायर्स आर गिवन, राइट? बट ये 3 में है और ये एक डी में नहीं है। अब इसमें क्या करना है, सी द गर्ल इज सेइंग लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड गेट रेडी टू आंसर फॉर 4 क्वेश्चन, मीन्स ये आपको पिक्चर पहले केयरफुली देखना है एंड उसके बाद इसके आंसर्स आपको देने हैं, राइट? सो आर यू ऑल रेडी, सो क्वेश्चंस आर रिटन ऑन दिस पेज। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर ए इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए बी सी डी है, तो डिवाइड स्क्वेयर ए, स्क्वेयर ए तो यही है, राइट? स्क्वेयर ए ये है, उसको आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं ऐसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, सो दिस इज रॉन्ग, ये व्हाइट कलर का पार्ट है वो 2 इक्वल पार्ट में नहीं हुआ। सो वी विल डू लाइक दिस, हम लोग ऐसे इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अंडरस्टैंड? ऐसे विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन डू, आप स्केल यूज करो और ये कर सकते हो। So, it is very easy. Now, let's see what is written.
गॉट द आंसर, वॉज दैट इजी? इसमें ऐसा था कि आपको आंसर मिला, क्या वो इजी था? यस, हमने आंसर भी मिला और इजी भी था. नाउ डू द सेकेंड क्वेश्चन. अब हमको सेकेंड क्वेश्चन करना है. उसमें क्या है, डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर बी इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स. अब क्या करना है, ये बी वाला स्क्वायर, आपको ये बी वाला दिख रहा है, उसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो हियर इट इज वेरी इजी. सी, दिस इज वन लाइन एंड अनदर लाइन आई विल डू ओवर हियर. सो दिस ऑल द पार्ट्स आर इक्वल, सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी, राइट? सो वी हैव डन दिस इन वन सेकेंड, हमने एक सेकेंड में ही कर लिया. दैट टू इज इजी, इजंट इट? ये भी बहुत ही इजी है, राइट? नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर सी इंटू फोर इक्वल पार्ट्स. अब आपको यहाँ पे और आगे कुछ लिखा है. इज इट बिट डिफिकल्ट? ये थोड़ा डिफिकल्ट है. एंड डोंट वरी, टेक योर टाइम. आपको क्या करना है, आपका टाइम लेना है, आपको जितना भी टाइम लो, राइट? अब ये जो सी है उसको आपको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. अभी आप क्या करोगे, उसको कैसे करोगे? अगर आप सोच रहे होगे कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो क्या ये सारे पार्ट्स इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे. सो व्हाट विल यू डू? आप कैसे करोगे, सोचो हमको इसको कैसे करना है. हाउ विल यू डू दिस? वन और टू मिनट्स यू कैन टेक टाइम, बट सी लाइक दिस वे इफ यू विल डू एल शेप. अगर आप ऐसे एल शेप में करोगे, सी दिस वे, बट आपको क्या करना है, ये अच्छे से स्केल से करना है तो ये परफेक्टली होगा. अब देखो ये वन टू थ्री, और ये थोड़ा ऐसे बिग करोगे ना तो ये सभी शेप आपको एक जैसे ही मिलेंगे. आई बात समझ में? और हो गए ना ये वन टू थ्री एंड फोर पार्ट्स इक्वल. एंड नेक्स्ट फोर्थ वन, उसमें क्या है, डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर डी इंटू सेवन इक्वल पार्ट्स. और इसको आपको सेवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो ये तो बहुत ही इजी है. आप लोग ऐसे भी स्लीपिंग लाइन भी कर सकते हो, ऐसे जैसे ये हो गया वन टू थ्री फोर देन फाइव देन ये हो गया सिक्स सेवन. आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, बट यू हैव टू डू प्रॉपरली, राइट? आपको ये अच्छे से पेंसिल से करना है. राइट नाउ आई एम डूइंग इट फास्टली. सो हियर सी द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दिस इन सेवन सेकेंड्स. आपको पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई लोग होंगे, मतलब कि कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन, उसने ये पजल जो है वो सेवन सेकेंड में सॉल्व कर दी, राइट? बट यू कैन टेक मिनट्स, बट आपको मिनट्स लेना है, नो प्रॉब्लम. क्या हुआ फिर आपने, अगर ये आपसे नहीं हुआ तो आप क्या करो, लूप फॉर द आंसर ऑन पेज नंबर 68. अब इसका आंसर है ना वो आपकी ही बुक में, पेज नंबर 68. पेज नंबर 68 है ना, वहां पे लिखा हुआ है, देखिए दिस इज द आंसर. समझ में आया? तो ए का आंसर ऐसे है, बी ऐसे, सी में आपको ऐसे फिगर ड्रॉ करनी है, एंड डी दिस वे यू हैव टू ड्रॉ. अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर आंसर. आपको वो कार्ड पजल में ऐसे ही करना है. नाउ द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है, सी ओवर हियर ऑन पेज नंबर 61. पेज नंबर 61 में आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं. ए सी, गैस एंड चेक. पहले आपको गैस करना है, फिर चेक करना है. What part of each shape is colored? Now here you have to guess. आपको guess करना है कि total कितने parts है और उसमें से कितने parts colored है. तो ऐसे ही पता चल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 parts are there and one is colored, right? And here 6 are there and one is colored. So here we can say 1/8, assumption also and checked also. एंड हियर हमारा गैस है वो भी सेम रहेगा, और जो हमारा चेकिंग है वो भी सेम रहेगा, दोनों सेम होंगे, राइट? बट आपको आपकी बुक में, मतलब कि नोटबुक में इसका आंसर लिखना है. सी दिस वे,
First, you will write page number 61 like this. And then, what part of its shape is colored? तो शेप वन था उसमें बाय गैसिंग जब हमने गैस किया तो क्या हुआ 1/8 और फिर जब हमने उसको काउंट करके चेक किया तब भी हमारा आंसर सेम आया 1/8 अंडरस्टैंड. फिर जो शेप टू था उसमें जब हमने गैस किया तो क्या था 1/6 था और फिर जब हमने काउंटिंग करके चेक किया तब भी हमारा आंसर सेम आया 1/6 अंडरस्टैंड. नाउ सी turn the page on page number 62 again here one and another means two shapes are given right two figures are given so I have drawn line over there maine yahan pe line draw kar liya hai to hamare liye easy rahega. How many are colored? Two and total how many? 9 understand. Yahan pe kya hoga 2/9 matlab ki two colored aur total 9 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 3 are 15 टोटल 15 स्क्वायर्स है और 15 में से कितने कलर्ड है 4 सो 4/15 वी हैव टू राइट बट सी हियर दिस वे आई हैव डन शेप 3 शेप 3 में क्या आएगा बाय गैसिंग गैस किया तो कितना आया 2/9 मतलब 2 कलर्ड है और टोटल 9 है एंड वाइल चेकिंग सेम 2/9 नाउ इन शेप 4 में टोटल बॉक्सेस कितने थे 15 राइट और उसमें से कलर कितने थे 4 सो 4/15 वी कैन राइट एंड नाउ बाय चेकिंग जब हमने चेक किया तब क्या किया तभी भी हमने काउंट किया था तो वो भी हमारा आंसर क्या आया था 4/15 आया था राइट समझ में आ रहा है सो दिस वे यू कैन गैस एंड देन यू कैन चेक बाय काउंटिंग पहले आप गैस करो और फिर इसको काउंट करके चेक करो. नाउ सी हियर बी डू रिमेम्बर दिस पिक्चर क्या आपने ऐसा पिक्चर देखा है लुक एट दिस स्मॉल ट्राइंगल और ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ना उसको देखो व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट ये स्क्वायर का कौन सा पार्ट है. अच्छा ये तो हमको ये आपको पता है थर्ड स्टैंडर्ड में आती थी 10 ग्राम फिगर इस शेप को हम कट करके डिफरेंट यहाँ पे जो शेप दिए है ना उसको कट करके अलग अलग पिक्चर्स बनाते थे राइट इन थर्ड स्टैंडर्ड एंड डिवाइड द बिग ट्राइंगल इनटू अदर शेप्स इनटू स्मॉल ट्राइंगल लाइक रेड वन मतलब कि ऐसे ट्राइंगल एंड हाउ मेनी स्मॉल ट्राइंगल्स आर देयर इन ऑल टुगेदर और आपको काउंट करना है कि टोटल ऑल टुगेदर कितने स्क्वायर्स बनते हैं. तो कैसे करेंगे हम ऐसे इसके जैसे ही सब करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन एज्यूम करो कि एक लाइन हम यहाँ पे कर दे एक लाइन यहाँ पे फिर ये लाइन यहाँ पे हो सकती है राइट फिर ये लाइन यहाँ पे भी हो सकती है और हम ऐसे भी लाइन कर सकते हैं एक यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन कर दे राइट तो ये सारे स्क्वायर्स भी आ जाएंगे सेम और यहाँ पे हम एक स्लीपिंग लाइन कर देते हैं दिस वे राइट तो ऐसे जो ट्राइंगल्स बनते हैं एक क्रॉस किया फिर एक प्लस किया राइट तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनेंगे तो आपको पहले तो क्या करना है इसको इस साइड भी हम कर दे एक साइड ये वाला फिर ये मत काउंट करना ये एक साइड ऐसा वाला तो अब यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल्स बनेंगे. ये जो फिगर है ना वो मैंने नोटबुक में ड्रॉ किया है बिकॉज ऑलरेडी हियर सम कलर्ड एंड सम लाइन्स आर गिवन सो दिस टाइप ऑफ स्क्वायर यू कैन डू आपकी नोटबुक में ऐसा वाला ड्रॉ करो राइट और ये एक कलर है यहाँ पे जो रेड कलर का आपकी नोटबुक में मतलब कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना वो है तो आप काउंट भी कर सकते हो. देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर इस साइड 8 है तो यहाँ पर भी 8 होगा 8 and 8, 16 तो कितने स्मॉल ट्राइंगल होंगे 16 तो ये टोटल 16 है आप समझ सकते हो टोटल 16 है उसमें से कलर कितने हैं 1 तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 1/16 समझ में आ रहा है. यहाँ पर भी हमने टोटल 16 ही बनाया है देखिए 1, 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8 समझ में आया. तो अगर इस साइड 8 है तो इस साइड भी 8 ही होंगे राइट 8 + 8, 16 तो ये वाला जो पोर्शन है वो 1/16 कहलाता है राइट और
और फिर हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टोटल ट्राइंगल्स, कितने स्मॉल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इसका आंसर है सी, यस आई कैन रिकॉल दिस पिक्चर। अभी मैंने बोला हमने रिकॉल किया, तो ये पिक्चर कौन सा था, 10 ग्राम, राइट। एंड द कलर्ड स्मॉल ट्राइंगल इज 1/16 पार्ट ऑफ द स्क्वायर। जो अभी मैंने आपको समझाया, टोटल ट्राइंगल हम 16 बना सकते हैं, समझ में आया। तो एक ट्राइंगल का पार्ट कितना होगा, 1/16 होगा। एंड टू गेट दिस वी शुड फॉलो द स्टेप्स, हमको क्या करना है, डिवाइड द स्क्वायर इनटू स्मॉल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। आपको ऐसे पूरे स्क्वायर को ऐसे डिवाइड करना है, राइट। ये उसके लिए स्टेप है कि कैसे करें। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स आर 16, और आपको स्मॉल ट्राइंगल्स कितने मिलेंगे, 16 ही मिलेंगे, राइट। इसीलिए इसका एक कलर्ड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1/16, अंडरस्टैंड। सो दिस वे यू हैव टू डू। एंड नाउ द नेक्स्ट वन, सी इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सी कलर्ड पार्ट्स, मतलब कि कितने कलर्ड पार्ट्स है। अब यहाँ पे आप एक सर्कल देख रहे हो, सो एक साइड ब्लू कलर है और एक साइड पिंक कलर है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि एक सर्कल है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट। एंड फ्रॉम टू पार्ट्स वन पार्ट इज ब्लू कलर, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टू में से एक पार्ट में पिंक कलर है। बट आपको लिखना कैसे है, देखो दिस सर्कल इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे टू ही पार्ट्स किए हुए है, और आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स वन पार्ट इज कलर्ड ब्लू, मतलब कि दोनों में से एक पार्ट है वो ब्लू कलर का है, राइट। अभी आप सेकेंड को ऑब्जर्व करो, जो सेकेंड वाला सर्कल है ना, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट्स में। सो व्हाट कैन यू राइट हियर, द सर्कल इज डिवाइडेड इंटू टू 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, एंड आउट ऑफ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स ब्लू है, 2, राइट। सो आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू, 2 पार्ट्स है वो ब्लू कलर्ड, मतलब कि ऐसा है कि 4 में से 2, इसका मतलब ये हाफ पार्ट ही कलर्ड है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये सर्कल देखो, यहाँ पे सर्कल के कितने पार्ट्स किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स आर देयर। सो यू कैन राइट हियर, द सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे जो सर्कल है वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एंड आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स हाउ मेनी आर कलर्ड ब्लू, 1, 2 एंड 3, सो आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स 3 पार्ट्स आर ब्लू कलर्ड, समझ में आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, सी हाउ मेनी टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे जो सर्कल है वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 8 इक्वल पार्ट्स में, और 8 में से कितने कलर्ड है, 1, 2, 3, 4, एंड 4 पार्ट्स आर ब्लू कलर्ड, राइट, समझ में आ रहा है। आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 8 इक्वल पार्ट्स में से 4 पार्ट्स है वो कलर्ड है, राइट। अब यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 में से 1, फिर यहाँ पे 4 में से 2, मतलब कि 2/4, फिर थर्ड में क्या हुआ, 3/6 मीन्स टोटल 6, एंड ब्लू कलर्ड 3, एंड हियर टोटल पार्ट्स आर 8, एंड हाउ मेनी आर ऑफ ब्लू कलर, 1, 2, 3, 4, दिस इज 4। सो लेट्स सी द लोएस्ट टर्म, देखो अगर यहाँ पे 2/4 है, सो मतलब कि 2 2 ज़ा 4, आई बात समझ में, इन दोनों का भी डिवीजन हो गया, बिग है डिनोमिनेटर, तो आंसर नीचे लिखेंगे, तो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2, सो 2/4 इज हाफ ओनली, समझ में आ रहा है, जो 2/4 है वही हाफ है। नाउ लेट्स सी, अगर 3/6 है, तो 3 और 6 का क्या होता है, 3 2 ज़ा 6, अब 2 कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज 6 बिग नंबर है, इसलिए जहाँ पे बिग नंबर होता है ना, वहाँ पे उसका आंसर जाता है। अब ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो क्या होगा, 1, और डिनोमिनेटर में कौन है, 2, मीन्स 3/6 है ना, वही हाफ है, आप समझ रहे हो। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसे 4/8 है, मतलब कि 8 में से 4, तो आप ऑब्वियसली हाफ पार्ट ही ले रहे हो, अंडरस्टैंड। सो दिस ऑल दी फ्रैक्शन, दिस ऑल दी पार्ट्स आर इक्वल, ये सभी कितने हैं, हाफ हाफ ही है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है,
सी कटिंग द हलवा. अंडरस्टैंड, यहाँ पे हलवा है उसको शेयर किया जा रहा है टू सिस्टर्स में. अब रमेश बोट अ पीस ऑफ हलवा. रमेश था वो हलवा का पीस लेके आया फॉर हिज चिल्ड्रन अमू एंड अनु. वो अनु और अमू के लिए हलवा लेके आया. अब क्या करेंगे, हलवा का एक पीस है और टू गर्ल्स है, तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो दोनों को कितने कितने मिलेंगे. देखो टोटल हमने कितने किए पार्ट्स, टू. टू में से सबको मिलेगा कितना, एक एक. सो ईच विल गेट वन हाफ, मीन्स हाफ पार्ट ऑफ हलवा. तो सभी को कितना मिलेगा, हाफ पार्ट मिलेगा. समझ में आ रहा है. फिर देखो उसने हाफ किया, सो ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन. अब हाफ का भी हाफ, देखो ये हाफ है उसका भी मैंने हाफ किया, ये हाफ है उसका भी अगर मैं हाफ करती हूँ तो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4. हाफ का हाफ मतलब कि ये हो गए 4 पार्ट्स. समझ में आ रहा है ये वाला. तो अब सबको कितने कितने पार्ट्स मिलेंगे, दोनों को कितने मिलेंगे, 2 पार्ट्स मिलेंगे. समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो हाफ ही है. हाफ पार्ट अमू को मिलेगा, हाफ पार्ट अनु को मिलेगा. बट ये तो हाफ का हाफ किया है, बट है तो उसका ही ना. तो हाउ मेनी पीसेस विल अमू गेट, अमू को भी 2 पीसेस मिलेंगे, राइट. अब देखो व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज इट. अब हलवा का ये कौन सा पार्ट है जो अमू को मिला. देखो टोटल कितने थे, 2. टोटल कितने थे, 4, उसमें से उसको कितने मिले, 2. तो 2/4. और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2/4 मीन्स हाफ, राइट. समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे मेक इट इवन स्मॉलर. डैड ने बोला कि और भी इसको हम कट करेंगे. सो ही अगेन कट हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस. अब देखो हमने हाफ का हाफ किया, अब हाफ का भी हाफ मतलब इसके भी हमने 2 पार्ट्स कर दिए. इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, और इसको भी कट कर दिया. तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. हाफ का हाफ और उसका भी हाफ, तो टोटल कितने हो गए, 8. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हो गए, राइट. और अमू को कितने मिलेंगे, 4 पार्ट्स मिलेंगे. और अनु को भी कितने मिलेंगे, 4 पार्ट्स मिलेंगे. समझ रहे हो टोटल कितने पार्ट्स हो गए अभी, 8. एंड हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट. अब सबको कितने मिलेंगे, सबको 4 पीसेस मिलेंगे, राइट. देखो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि सबको 4 पीसेस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने किया हुआ ही है. हाफ है उसका, हाफ का भी हाफ मतलब कि 4. तो ये 4 पीसेस है वो अमू को मिलेंगे, और ये 4 पीसेस है वो अनु को मिलेंगे, राइट. अब ये जो हमने पार्ट्स किया उसका हर एक पार्ट का कितना होगा, ये भी 1/8 होगा, ये भी 1/8 होगा. अगर एक मिलेगा तो 1/8, अगर एक पार्ट मिलेगा तो 1/8. समझ रहे हो. नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में भी ऐसा ही है. सी व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस. अब हर एक पीस को उसका हलवा का कौन सा पार्ट बोलेंगे हम, 1/8. समझ में आ रहा है. तो इफ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, अगर रमेश ने हलवा 6 इक्वल पार्ट में कट किया होता, देन हाउ मेनी पीसेस वुड ईच हैव गॉट. तो सबको कितने कितने मिलेंगे, अगर 6 पीसेस किए होते तो दोनों को 3-3 मिलते, राइट. देखो यहाँ पे अगर 6 किए होते तो दोनों को 3-3 मिलते. लुक एट योर आंसर फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 4. देखो पहले हाफ किया, अब हाफ का भी हाफ, तो कितना हो गया, 2/4. अब हमने उसका भी अगर हाफ किया, राइट, तो हो गया था 4/8. समझ में आ रहा है. अगर हम 3/6 करे या तो 4/8 करे. फिर अगर उसने 12 किया था तो 5/12 उसको मिलेगा. अगर ये 3 किया है तो, राइट, अगर फिर वो 3 में से भी 6 कर दे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे. तो ऐसे ही वो अपने आगे आगे पार्ट्स बढ़ते जाएंगे. नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप. यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप दिख रही है, उसके पार्ट्स. नाउ सी हियर, लुक एट द पिक्चर, राइट व्हाट पार्ट ऑफ स्ट्रिप इज ईच ग्रिड पीस. अब ये जो ग्रिड पीस है ना, ग्रीन पीस, वो स्ट्रिप का कौन सा वाला पार्ट है, राइट. राइट द पार्ट ऑफ पीस इन ईच कलर. हाउ मेनी 1/4 विल मेक हाफ. अब हाफ है, देखो यहाँ पे आपको हाफ दिख रहा है, तो कितने 1/4 है उस वो हाफ बनेगा. तो देखो यहाँ पे
कोई भी फूल है अगर हमने उसके फोर पार्ट्स किए हैं, एक ये फूल है उसके आपने फोर पार्ट्स किए तो उसका हाफ ये होगा, तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, मतलब कि 2 1/4 होंगे ना तो उसका हाफ पार्ट बनेगा। सो आंसर इज 2 1/4 विल मेक हाफ। समझ में आ रहा है? कोई भी थिंग्स है अगर वो फुल थिंग्स है उसके हमने फोर पार्ट्स किए हैं तो कितने 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, 2 1/4 लिए तो उसका पूरा हाफ पार्ट बन गया। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4। अब देखो कि अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हमको क्या बनाना है, 1/4, मतलब कि 1/4 हमने कोई भी थिंग के चार पार्ट किए तो 1/4 पार्ट इतना ही हुआ, राइट? इतना ही 1/4 पार्ट हुआ। मतलब अब इस उसी स्ट्रिप के अगर 8 पार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/4 पार्ट में 1/8 के कितने पार्ट्स आ रहा है, 2 पार्ट्स। मतलब कि 1/8 के 2 पार्ट्स होते हैं तो पूरा 1/4 हमको मिलता है, मींस 2 1/8 विल मेक 1/4। अंडरस्टैंड? नाउ हाउ मेनी 1/8 आर इन हाफ। अगर हमें हाफ चाहिए, देखो हाफ ये हमें चाहिए तो कितने 8 पार्ट वाले कितने पार्ट्स होंगे, ये 4। हाफ में देखो 1 2 3 4 है, सो 4 1/8 विल मेक हाफ। समझ में आ रहा है? पहले हमने 1 1, जैसे कि हाउ मेनी 1/4 विल मेक हाफ, तो ये पूरा हाफ है, तो 4 पार्ट्स वाली हमने स्ट्रिप ली तो हाफ पार्ट को कितने पार्ट्स कवर कर रहे हैं 1/4 के, 2 पार्ट्स। तो ये समझ में आ गया, 2 1/4 विल मेक हाफ। फिर हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4। अब यहाँ में हम ये स्ट्रिप ले लेती है जिसमें 1/4 पार्ट शो कर रहे हैं और उसको हमको 1/8 के साथ कंपेयर करना है, तो ये 8 वाली स्ट्रिप ली। अब क्या करेंगे, 1/4 पार्ट पे गए, 1/4 पार्ट में 1/8 के कितने पार्ट्स कवर हो रहे हैं, 2। मतलब कि 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 करेंगे तो ही हमको 1/4 मिलेगा, राइट? और 1/8 कितने हमको चाहिए तो पूरा हाफ बनेगा, मतलब कि इतना पोर्शन में कितने 1/8 चाहिए, 1 2 3 4, राइट? तो हम इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 1/8 करें तो कितना हो जाएगा, सी 4 2 8 तो ही हाफ होगा। समझ में आ रहा है? सो दिस वे यू हैव टू फाइंड 1/4, 8th पार्ट, हाफ पार्ट एंड हाफ ऑफ हाफ, दिस वे यू कैन फाइंड। नाउ द नेक्स्ट इज पैटर्न्स। देखो यहाँ पे लुक एट द स्क्वायर, आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, राइट? एंड हियर व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू। अब यहाँ पे जो ब्लू पार्ट है वो उसका कौन सा पार्ट है, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम ये जो स्क्वायर है उसका हाफ पार्ट करेंगे तो भी ऐसा स्क्वायर नहीं आएगा, अगर हम 4 करेंगे तो भी नहीं आएगा, राइट? अगर हम और यहाँ पे दोनों साइड एक एक कर दे, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसा कौन सा पार्ट होगा, 1/8। समझ में आ रहा है? तो ये आपका ब्लू कलर का जो पार्ट है वो क्या है, 1/8 पार्ट है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट पार्ट इज ग्रीन। अब ग्रीन तो 8 का भी हाफ है, जैसे कि हम ऐसे करें और इस साइड भी ऐसे करें तो टोटल 4/4 के 16 स्क्वायर होंगे, 16 में से कितने ग्रीन है, ओनली 1, सो वी कैन से 1/16। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? ये पूरा हाफ है, ये हाफ का भी हाफ है और ये तो उसका भी, मतलब कि 1/4 का भी हाफ, मतलब कि 1/8, और 1/8 का भी हाफ, तो हो जाएगा 1/16। अंडरस्टैंड? एंड हियर सी पजल, इज इट इक्वल। यहाँ पे एक पजल दी हुई है, आपको ये पजल ड्रॉ करनी है। नाउ सी, एमिनी सेज हाफ ऑफ हाफ एंड 1/3 ऑफ 3/4। हाफ का हाफ और 3/4, मतलब कि यहाँ पे देखो हमने ये एक पिक्चर बनाया, उसमें एक ये 1/4, ये 2/4 और 3/4, ये हो गया 3/4 आर इक्वल। डू यू एग्री, क्या वो इक्वल है, हाफ का हाफ और 1/3 ऑफ 3/4, 3/4 का 1/3, क्या वो इक्वल है?
Let's see. So in your notebook, you have to write like this. Yes, Amini is right. This can be shown by following pictures. देखो यहाँ पे. अब आप यहाँ पे दिख रहा है half. एक figure है उसका half क्या होता है ये वाला. अब half of half. अब ये half part है उसका भी half मतलब ऐसा होगा. तो उसके कितने parts हो जाएंगे चार. Right? Half का भी half. तो हम उसको ऐसे show करेंगे. ये वाला जो है वो half का भी half होगा. फिर थ्री क्वार्टर्स मतलब कि कोई भी फिगर का ये थ्री क्वार्टर्स एंड उसका वन थर्ड ऑफ थ्री क्वार्टर्स तो ये हो गया वन थर्ड. समझ में आ रहा है? तो हाफ ऑफ हाफ में आ जाएगा. सॉरी इसमें आपको कलर नहीं करना है. राइट ओनली इन वन. तो हाफ ऑफ हाफ एंड वन थर्ड ऑफ थ्री मतलब कि आप थ्री का वन थर्ड करो तो दोनों सेम है. यहाँ पर भी एक में कलर करना है, यहाँ पर भी एक में ही कलर आएगा. So this both are same, this both are equal. यहाँ पे आपको शेड नहीं करना है. अंडरस्टैंड? हाफ का हाफ मतलब ये इतना ही आएगा और ये तीन का वन थर्ड तो ऑब्वियसली ये वन ही आएगा. राइट तो यहाँ तक हमने आज किया है. आपको सारी जो एक्सरसाइज है जितना भी हमने टेक्स्ट बुक में मैंने लिखा है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है और जितना मैंने आपको नोटबुक में लिखवाया है उतना आपको नोटबुक में लिखना है. All exercises you have to complete and you have to give homework regularly. आपको homework regularly करना ही है. Right? Thank you.